बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि 14.5 एंड 14.6 है। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जिसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14.4 की थी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं अपने 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। तो अगर इस स्टेटमेंट की ओर से पढ़ा जाए तो लिखा है करंट इन सर्किट फैल फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 0 एम्पीयर। सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 0 एम्पीयर। सो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पीयर एंड I2 इज इक्वल टू 0 एम्पीयर, ठीक है। द टाइम स्लॉट फ्रॉम फ्लोइंग करंट फ्रॉम 5 एम्पीयर टू 0 एम्पीयर इज 0.1 सेकंड। तो टाइम कितना है? 0.1 सेकंड। इफ एन एवरेज EMF, तो EMF हमारे पास कितनी गिवन है? 200 वोल्ट, ठीक है। गिवन एस्टिमेट सेल्फ इंडक्शन, हमने फाइंड करना है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सर्किट, यानी सेल्फ इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ गिवन थी वो I1 गिवन था, ठीक है, जो कि था 5 एम्पीयर, एंड I2 हमारे पास गिवन था जो कि 0 एम्पीयर था। तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा? I2 माइनस I1 मीन 0 एम्पेयर माइनस 5 एम्पेयर, तो ये आ जाएगा माइनस 5 एम्पेयर। तो चेंज इन करंट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद टाइम स्लॉट गिवन थी जो कि 0.1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, एवरेज EMF गिवन है जो कितनी है? 200 वोल्ट की है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइंड पे हैं, हमने फाइंड करना है, तो अगर देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर में सबसे आसान न्यूमेरिकल है। हमने फाइंड करना है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है L, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो क्या फॉर्मूला आता है कि E इज इक्वल टू माइनस L डेल I डिवाइडेड बाई डेल T, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो बेसिकली हमें EMF की वैल्यू पता है, करंट की वैल्यू पता है और T की वैल्यू पता है, तो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम E की वैल्यू मानस कितनी थी? 200 वोल्ट। तो E की जगह मैं फाइंड आउट कर दूंगा 200 वोल्ट। L हमने फाइंड करना था, चेंजिंग करंट कितना था? माइनस 5 एम्पेयर, और T 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 0.1 जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5L। हमने L फाइंड करना था, तो 200 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई 5 बंदा 40 को जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 हेनरी। तो हमारे पास इंडक्टेंस कितनी है कि सेल्फ इंडक्टेंस 4 हेनरी। बेसिकली ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.5। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि 14.6 है। तो अगर सिर्फ फोकस किया जाए तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अलॉन्ग सोलिनाइड विद अ 15 टर्न, यानी मेरे पास एक सोलिनाइड है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल सोलिनाइड बना के दिखाऊँ तो सोलिनाइड क्या होती है कि ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न होते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा टर्न होती है उसको बोल देंगे इतना अच्छा सोलिनाइड है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि सोलिनाइड है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। अब एक सोलिनाइड है जिसके ऊपर है 15 टर्न पर सेंटीमीटर, ठीक है, यानी हमारे पास n डिवाइडेड बाई l, 15 टर्न नंबर ऑफ टर्न आ गई और सेंटीमीटर तो n डिवाइडेड बाई l आ गया, ठीक है। है स्मॉल लूप ऑफ एरिया, यानी हमारे पास 15 टर्न थी और हर टर्न का एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इफ प्लेस इनसाइड अ सोलिनाइड नॉर्मल टू द एक्सिस, इफ करंट कैरिंग बाय अ सोलिनाइड चेंज स्टडी फ्रॉम, अब उसका करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पीयर से 4 एम्पीयर तक, टाइम स्लॉट हमारे पास गिवन है 0.1 सेकंड। व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ इन अ लूप, एक लूप के अंदर हमने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। व्हाइल करंट इज चेंजिंग, हमने ईएमएफ फाइंड करना है जब करंट चेंज हो रहा हो। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है? हमारे पास सबसे पहले गिवन है नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का यूनिट था लेंथ का, तो नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, समझ जाइए, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इधर मैंने लिखा है नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, जो कितनी है 15। आप सेंटीमीटर का मतलब कि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ में स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, उसको मीटर में चेंज करने के लिए करेंगे कि 100 डिवाइड कर लेते हैं या सेंटी की वैल्यू पुट कर रहे थे जो कि -2 मीटर। जब इसको पर लगेंगे तो 1500 डिवाइडेड बाय मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो
ये मेरे पास क्या आ रहा है, एन डिवाइड बाई एल, जो कितना आ गया 1500 पर मीटर। ठीक है, तो आप एन डिवाइड बाई एल किसे कॉल होते हैं, स्मॉल एन के कॉल होता है, ठीक है, जब हम पेयर लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ। ठीक है, उसके बाद हैज़ अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया, एरिया हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको फिर मीटर में चेंज करेंगे तो 10^-4 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर प्लेस इनसाइड अ सोलेनोइड इफ अ करंट कैरिंग, करंट कितना चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग करंट लिख लूंगा, आई टू हमारे पास कितना है 4 एम्पेयर, -2 = 2 एम्पेयर, तो चेंजिंग करंट कितना आ रहा है 2 एम्पेयर, एंड टाइम स्लॉट कितनी है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या, फाइंड करने के लिए जब फॉर्मूला होता है मैं सोसाइटी लिख देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रिस्पेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, नंबर ऑफ टर्न इनटू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये होता है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो हमारे पास फ्लक्स नहीं गिवन, तो एज वी नो फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एरिया के इक्वल होता है, हमें एरिया तो पता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता। ठीक है, अगर देखा है तो हमारे पास एरिया गिवन है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, तो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या लगा लेंगे, एम्पेयर लॉ। ठीक है, एम्पेयर लॉ का क्या फॉर्मूला होता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड इनटू चेंज इन करंट। ठीक है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है फिक्स होती है, ठीक है, ये कितनी होती है 4π × 10^-7। ठीक है, यार क्वेश्चन सेम रहेगी तो उसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, एम्पेयर लॉ का टॉपिक में आता है। फिर एन, ठीक है, अब एन नंबर ऑफ टर्न नहीं है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जो कितनी थी 1500 मीटर, तो ये कितना आया था 1500। फिर चेंज इन करंट, चेंज इन करंट हमने कितना फाइंड किया था 2 एम्पेयर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। बेसिकली जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 3.77 × 10^-3 मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे कि हम इस फॉर्मूले में पुट करने से पहले एक चीज़ और याद रख लें, हमने फाइंड किया था व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ इन अ लूप, एक लूप के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इन सिंगल लूप। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था कि इंड्यूस ईएमएफ इन सिंगल लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर फाइंड करना है, टोटल लूप कितनी मानी थी 15, हमने एक लूप के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था अब सिंगल लूप है तो नंबर ऑफ टर्न सिंगल लूप के लिए क्या हो जाएगी 1, तो ये बचेगा डेल्टी। अब हमने पढ़ा था कि चेंज इन फ्लक्स होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टी। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है जो कि हमने एम्पेयर लॉ से निकाली थी 3.77 × 10^-3, एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन थी जो कि कितनी 2 × 10^-4, और हमें टाइम स्लॉट पता था जो कि कितना था 0.1 सेकेंड, इसको भी पुट कर लेंगे। आप सबको पुट करने के बाद हमारे पास ईएमएफ कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, जो सबको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, बेसिकली 7.34 × 10^-8 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ईएमएफ को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.5 और 14.6 डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट एक या दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेकी बात।